हाय गाइज, मैं सुनील कुमार सानी डिवाइन कोचिंग सेंटर की ओर से आज मैं आपको बताऊंगा अस्तम्भ विधि से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्मन मेथड। कार्मन मेथड के द्वारा किसी दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम कैसे निकालेंगे कार्मन मेथड अर्थात अस्तम्भ विधि से किन्हीं दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। इसके लिए दोस्तों ऐसे अस्तम्भ आपको बनाने होंगे। इस वाले खाने को आपको माने ए स्क्वायर, इसको मानना होगा 2ab और इस खाने को मानना होगा बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो प्राप्त दो संख्याएं हैं इसको a बराबर मान लेंगे 5 और b बराबर मान लेंगे 6। तो a का स्क्वायर है तो a बराबर माने हमने 5, तो 5 का यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे a का वैल्यू क्या है दोस्तों 5 और गुणे b का वैल्यू क्या है दोस्तों 6। पुनः यहाँ b का स्क्वायर, b मतलब 6 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों। पुनः एक लाइन और चलते हैं, एक स्तंभ में और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25, या 5 × 2 = 10, 6 × 60 हो जाएगा और 6 × 36 हो जाएगा। अब दोस्तों राइट हैंड साइड से एक नंबर को ट्रिक मारेंगे, जो नंबर बचेगा उसको छोड़ देंगे या नंबर आकर के इसमें जुड़ जाएगा। पुनः 3 को जोड़ेंगे इसमें तो 3 और 6 हो गया। पुनः 3 पर ट्रिक मारेंगे और बचे हुए नंबर को लाकर इसमें जोड़ लेंगे इस संख्या में। अब यहाँ हो जाएगा 6 × 5 = 11 को 1, 5 × 2 और 1 × 3 = 31। इस प्रकार आपका 56 का जो वर्ग होगा अस्तम्भ विधि से हो जाएगा दोस्तों 31 और 36। जय हिंद, वंदे मातरम।